पूछिए। नमाज में हम कहा जाता है कि दो सूरतें पढ़नी चाहिए डिफरेंट, अगर एक ही सूरत पढ़ ली जाए तो सजदा सहव लाजमी है उसके लिए। यानी आपने दो रकतें पढ़नी है, जोहर की पढ़ी है तो आपने कुल हुवल्ला दोनों इब्तदाई रकात के अंदर पढ़ ली, यही पूछ रहे हैं ना? नहीं बताया ना क्या पूछा आपने। नमाज पढ़ रही हैं आप? दो रकत नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले में कुल हुवल्ला पढ़ लेते हैं, दूसरी दफा फिर कुल हुवल्ला ही पढ़ लेते हैं अगर। अच्छा, एक ही सूरत जो दोबारा दोहरा लेती है दूसरी? दोनों रकतों में एक ही सूरत की तिलावत करती है। ये अल्लाह का शुक्र है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ऐसे सारे वाकयात पेश आ गए जिससे हमें रहनुमाई मिली। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन नमाज पढ़ी तो पहली रकत में भी वही पढ़ी, दूसरी में भी पढ़ी। अब सहाबी कहता है हमें नहीं पता कि हजूर भूल गए इसलिए पढ़ी या बताने के लिए कि जायज है पढ़ी। हम भूल की बात को छोड़ते हैं, यही बात सही मालूम होती है कि हजूर बयान जवाब के लिए उम्मत को पता चल जाए कि ऐसा किया जाए तो नमाज में कोई हर्ज नहीं। दोनों रकतों में एक ही आपने सूरत दोबारा दोहराई, इसलिए मेरी बच्ची बेफिक्र है, अगर कुल हुवल्ला भी दोबारा ही पढ़ ली जाए या कोई सूरत भी दोबारा पढ़ ली जाए कोई हर्ज नहीं, जायज है नमाज।